Let us now talk about a question related to the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So the question says, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So, theek hai, x square plus 7x plus 12, ye kya hai? This is a quadratic polynomial. This can be factorized. Yes, this can be. Kaise likhenge isko? X square plus कितना लिखें इसको, यहाँ 7x आना चाहिए. फैक्टराइजेशन मेथड मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए. यहाँ ये 12 लिखा है कोएफिशिएंट और ये लिखा है 7. तो क्या करें, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12. मैंने ऐसा इसलिए लिखा, हमने ये ध्यान देना है फैक्टराइजेशन करने के लिए. क्या आई एम श्योर आप सब में से बहुत को आता होगा ये चीज, लेकिन स्टिल इस 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर्स में, जैसे मैंने 3 और 4 में किया कि उनका एडिशन 7 आए और उनका मल्टीप्लिकेशन ये जो नंबर है यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आ जाए. एंड एज अ रिजल्ट आप देखेंगे इन दो दो टर्म्स को पकड़ लो, इन दोनों को और इन दोनों को पकड़ लो, x टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3. और ध्यान से देखें, इसमें से कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन आया, इंटू x प्लस 4 आ गया. सो दिस इज नथिंग बट दी फैक्टराइजेशन, दिस इज नथिंग बट दी फैक्टराइजेशन. और अगर मैं बोलूं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दूं जीरो के, अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. और इसी तरह इसका मतलब हुआ कि x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू जीरो किया, तो इसके जो रूट्स आ गए माइनस 3 और माइनस 4 आ गए. या ये कहें कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो कौन कौन आ गए, माइनस 3 एंड माइनस 4. सही. अब क्या करें, अब हमने वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स. तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए मैं सम ऑफ द जीरोज की बात करूंगा, सम ऑफ द जीरोज की बात करूंगा. जीरोज कौन है, एक है माइनस 3 प्लस माइनस का 4. एक जीरो माइनस 3 है, एक जीरो माइनस 4 है, इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई माइनस 7. सही है बात यहां तक. अब ध्यान से देखें, सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए होता है, यानी माइनस टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये आना चाहिए, चेक करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा. माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 7, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, विच अगेन इज कमिंग एज माइनस 7. इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस वाली बात बिल्कुल सही लिखी गई है, हमने जीरोस सही निकाले हैं. अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की बात करूं तो माइनस 3 इंटू माइनस 4, वो क्या आया, इट विल बी 12. ये वैल्यू क्या आएगी, 12 आई. तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज किसके इक्वल होता है, रूट्स किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, 12. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1. ये वैल्यू भी सिंप्लीफाई करके क्या आ रही है, 12 ही आ रही है. तो दैट्स मींस दैट वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स.